एक रिपोर्ट के मुताबिक रसिया के अंदर बॉटल विस्की का आयात पिछले साल के मुकाबले आधे से भी कम हो गए हैं। अब ऐसा नहीं है कि रसिया के अंदर अल्कोहल का यूज कम हो गया है, बल्कि पश्चिमी देशों के ब्रांड्स रसिया को सप्लाई भेजने से इनकार कर रहे थे या फिर भेज नहीं पा रहे थे, क्योंकि कई सारे यूरोपियन देशों ने रसिया के साथ व्यापार बंद कर रखा है और रसिया को स्विफ्ट पेमेंट मैकेनिज्म से बाहर निकाल रखा है, जिसकी वजह से पेमेंट करने में बहुत परेशानियां आ रही हैं। इन सभी के कारण कुछ पश्चिमी ब्रांड्स ने रसिया को अल्कोहल भेजना कम कर दिया, जबकि कुछ ने तो पूरी तरह से सप्लाई अचानक से रोक दी थी। रसिया में मांग पहले से ही बरकरार था, ऐसे में अब रसिया ने फैसला किया है कि रसिया के अंदर जो इंपोर्टेंट विस्की की मांग थी वो अब रसिया भारत के शराब ब्रांड से पूरा करेगा, यानी पश्चिमी देशों की जगह भारत रसिया की शराब की मांग को पूरा करेगा। आपको बता दें कि भारत की एक शराब की कंपनी है जिसका नाम है एबीडी। भारत की कंपनी एबीडी दुनिया की तीसरी सबसे मशहूर विस्की बनाती है जिसका नाम है ऑफिसर्स चॉइस। अब रसिया की नजर इस विस्की पर पड़ गई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक रसिया की एक बड़ी वोडका निर्माता ग्रुप ने भारत की एलाइट ब्लाइंडर एंड डिस्टिलर के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया है, जिसके बाद ऑफिसर्स चॉइस विस्की और स्टर्लिंग रिजर्व विस्की अब रसिया के बाजारों में उपलब्ध होंगे। भारत से एबीडी विस्की की शिपमेंट फरवरी महीने में रसिया पहुंच भी गई है और ये कॉन्ट्रैक्ट साल 2025 के अक्टूबर महीने तक के लिए साइन कर दिया गया है। ऑफिसर्स चॉइस विस्की की 0.5 लीटर की बोतल 1000 से 1200 रुपए के बीच में रहेगा।